नमस्कार साथियों, टाइम्स कॉम्पिटिटिव क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज रुकमणी पब्लिकेशन दी प्लेटफॉर्म की वॉल्यूम नंबर 3 का सेट नंबर आज 4 करने वाले हैं फ्रेंड्स। और जो भी अभ्यर्थी जो सेट नंबर 1, 2, 3 नहीं देखे, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है फ्रेंड्स, आप करके जाएं। आने वाले एग्जाम में बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाला है NTPC स्टेज 2 के लिए और ग्रुप डी के लिए फ्रेंड्स। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और ये रहा आप लोगों के सामने पहला सवाल। और हाँ फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर एक सेट का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आज का सवाल क्या है, पहला सवाल क्या है, नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है। तो नींबू के रस का पीएच मान 2 होता है। मैं बता दूं कि पीएच स्केल किसने दिया है। पीएच स्केल की बात करें तो पीएच स्केल सोरेनसन ने दिया है। पीएच स्केल सोरेनसन ने, सोरेनसन के द्वारा ये दिया गया है। और जिस विलयन का मान 7 से क्या हो अधिक हो वो अम्लीय होता है, और जिस विलयन का मान 7 से क्या हो कम हो वो क्या होता है, क्षारीय होता है। और जिस विलयन का मान 7 के बराबर होता है वो उसका उदासीन होता है, वो क्या होता है, उदासीन होता है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, बायोफाइटा निम्नलिखित में से किस वनस्पति से संबंधित है। तो बायोफाइटा मर्केनेशिया से संबंधित है। और बायोफाइटा का बात करें तो बायोफाइटा पौधे को उभयचर भी कहा जाता है। इसके पौधे को क्या कहा जाता है, उभयचर। इसके पौधे को, बायोफाइटा जगत के पौधे को उभयचर कहा जाता है, उभयचर कहा जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, श्रृंखला में 4 प्रतिरोध जिनमें से प्रत्येक 1/4 ओम का उपयोग करते हुए अधिकतम कितने प्रतिरोध बनाए जा सकते हैं। अगर यदि श्रृंखला में 4 प्रतिरोध लगाने हैं और प्रत्येक का मान 1/4 हो तो कुल कितने प्रतिरोध लगा सकते हैं हम। तो कुल सबका मान सबको जोड़ देंगे, 1/4 चार बार जोड़ देंगे, तो 1/4 चार बार जोड़ेंगे तो उसका मान कितना आ जाएगा, 1 ओम हम इसमें प्रतिरोध जोड़ सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पाइथन एक क्या है। पाइथन एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैंने पिछले भी क्लास में ही बता दिया था पाइथन क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। जब मैं पढ़ा था सेट नंबर 2 या शायद 3 था उसमें ये था। तो पाइथन एक ऑपरेटिंग सिस्टम, मैं कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल फिर दे देता हूँ, जैसे विंडोज 7 हो गया, विंडोज 8 हो गया, विंडोज 10 हो गया, ये सब क्या है, और लिनक्स हो गया, ये सारा क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये सब क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। आई होप ये सवाल क्लियर हुआ होगा। अब मालवेयर क्या है, मालवेयर को ही वायरस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मालवेयर एक वायरस है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 मायोपिया वाले व्यक्ति की दृष्टि ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस की आवश्यकता होती है। तो जिस व्यक्ति को मायोपिया का शिकायत है, मायोपिया है, तो उसके लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो उसके लिए अपसारी लेंस का प्रयोग किया जाता है। और अपसारी लेंस को ही अवतल लेंस बोलते हैं। अपसारी लेंस को कौन सा लेंस बोलते हैं, अवतल लेंस बोलते हैं। क्लियर हुआ, अपसारी लेंस को ही अवतल लेंस कहा जाता है। और मायोपिया रोग में प्रतिबिंब जो है सो रेटिना के पहले बनता है, मायोपिया रोग में प्रतिबिंब रेटिना के पहले बनता है, रेटिना के पहले। इसमें क्या देख लिए कि मायोपिया जो इस व्यक्ति की शिकायत है उसको कौन सी लेंस की आवश्यकता होती है, तो उसको लेंस होती है अवतल लेंस की जरूरत होती है। और इसमें मायोपिया में प्रतिबिंब जो है सो रेटिना के पहले बनता है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इंटेल कोर i9 क्या है। इंटेल कोर i9 क्या है, तो एक प्रकार का एक प्रोसेसर है। ये क्या है, एक प्रोसेसर है। मैं कुछ प्रोसेसर का नाम मैं बताता हूं, आपने देखा होगा मोबाइल में ये भी होता है, सिंगल कोर प्रोसेसर और ड्यूल कोर प्रोसेसर, ये भी जानते होंगे आप, ड्यूल कोर प्रोसेसर। और एक और भी होता है ऑक्टा कोर प्रोसेसर। ये सारे क्या है, प्रोसेसर हैं। तो इंटेल 9 भी एक प्रकार के क्या है, प्रोसेसर है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 निम्नलिखित में से कौन सा एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। तो कौन सा एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, तो ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसकी स्पीड, मैं बता दूं कि सुपरसोनिक किसको बोलते हैं, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल किसको कहा जाता है, तो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल उसको कहते हैं जिसकी गति हवा से भी तेज हो, ध्वनि से भी तेज, सुपरसोनिक किसको कहते हैं, जिसका स्पीड ध्वनि के स्पीड के से अधिक हो, ध्वनि की स्पीड से अधिक हो। और ब्रह्मोस मिसाइल का जो स्पीड है वो 2.8 मैक है, 2.8 मैक। नंबर 8 क्या है, बेरी बेरी
एक रोग है जो किसकी कमी के कारण होता है, तो आपको पता होगा बेरी बेरी किसके कारण होता है, विटामिन बी वन के कारण क्या होता है, बेरी बेरी रोग होता है। अब विटामिन बी वन की बात करें तो इसका केमिकल नेम होता है, केमिकल नेम होता है थायमिन। थायमिन इसका क्या होता है, रासायनिक नाम होता है विटामिन बी वन का। और विटामिन ए से, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रतौंधी। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग क्या है, रतौंधी। और विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रिकेट्स होता है, रिकेट्स, जिसको सूखा रोग भी कहते हैं, विटामिन डी की कमी से होता है। और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, अस्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित मानव रोगों में से कौन सा जीवाणु से होता है, तो इनमें से कौन सा रोग जो है वो जीवाणु से होता है, तो जीवाणु से होने वाला एकमात्र रोग इसमें से क्या है, टाइफाइड जो है सो जीवाणु से होने वाला रोग है। और टाइफाइड जो है सो किसको प्रभावित करता है, टाइफाइड छोटी आंत को प्रभावित करता है, छोटी आंत को क्या करता है, ये प्रभावित करता है टाइफाइड। क्लियर हुआ होगा कि टाइफाइड किसको प्रभावित करता है, छोटी आंत को प्रभावित से होने वाला रोग है। नंबर 10, निम्नलिखित में से यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है, तो इनमें से कौन सा यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल नहीं है, तो यूनेस्को की बात करें तो यूनेस्को की स्थापना कब हुई फ्रेंड्स, तो यूनेस्को की स्थापना 1945 में 1945 में हुई है। और इसमें कौन सा ये जो है वो यूनेस्को में शामिल नहीं है, तो ये जंतर मंतर यूनेस्को में शामिल नहीं है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि जंतर मंतर एक जयपुर में भी है, जंतर मंतर जयपुर में है, वो यूनेस्को में शामिल है, जयपुर वाला जंतर मंतर जो 2010 में ये यूनेस्को में शामिल है, और ये जंतर मंतर नई दिल्ली वाला यूनेस्को में शामिल नहीं है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखे गया है, तो हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखा गया है, गुलबदन बेगम द्वारा हुमायूं नामा लिखा गया है। अब मैं बता दूं हुमायूं का जन्म कब हुआ था, हुमायूं का जन्म 1508 ईस्वी में हुआ था, हुमायूं का जन्म कब हुआ था, 1508 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो पहले मैं जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बता दूं, तो इसका पहले नाम था हेली नेशनल पार्क, बाद में इसका नाम चेंज हुआ तो हो गया क्या, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, कॉर्बेट नेशनल पार्क। वर्तमान में इसका नाम राम गंगा नेशनल पार्क है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, जीएसटी भारत में अधिरोपित एक अप्रत्यक्ष कर है, जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है, इजी सवाल है, जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ऑप्शन नंबर बी। जीएसटी कब लागू हुआ था, तो 1 जुलाई 2017 को जीएसटी पूरे भारत में लागू हुआ था। और प्रथम फर्स्ट राज्य कौन था सर, असम, लागू करने वाला पहला राज्य असम था। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन है, तो दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश ब्राजील है, क्वेश्चन नंबर 15, भारत का केंद्रीय औषधि संस्थान कहां पर स्थित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा लखनऊ, लखनऊ में केंद्रीय अनुसंधान संस्थान, औषधि अनुसंधान संस्थान स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान यूरेनियम खनन के लिए प्रसिद्ध है, तो यूरेनियम खनन के लिए कौन सा प्रसिद्ध है, तो जादूगोड़ा जो झारखंड में है, जादूगोड़ा कहाँ है, झारखंड में, ये यूरेनियम के लिए फेमस है जादूगोड़ा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 क्या, भारत की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी है, तो राजमार्ग सुरंग इनमें से कौन सा है, तो इनमें से अटल सुरंग है, और इसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर है, और ये कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, तो इनमें से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, तो ताप्ती नदी अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ही बढ़िया सवाल है, सवाल क्या है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, और बहुत ही ईजी है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, पेरिस फ्रांस में इसका मुख्यालय। यूनेस्को की पूरा नाम अगर पूछ ले तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल एंड साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन
ये इसका फुल फॉर्म है और इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, तो आपको याद रखना यूनेस्को की मुख्यालय अगर पूछे तो पेरिस में, और इसका फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। फ्रेंड्स अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सेट का नोटिफिकेशन आपको मिले, और मैं बता दूं कि आने वाले एग्जाम में ये बहुत ही बढ़िया साबित होने वाला है, बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, इसलिए आप इस सेट को प्रैक्टिस जरूर करके जाएं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। तो लोकसभा संयुक्त बैठक की बात करें तो संयुक्त बैठक कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद कौन सा संयुक्त बैठक का, तो संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, 21 क्या है? एक प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता कहाँ का मूल निवासी था? इब्न बतूता किस देश का मूल निवासी था, इस सवाल में पूछ रहा था। इब्न बतूता कहाँ का था? मोरक्को का मूल निवासी इब्न बतूता था। और इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था, तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। और कब आया था? तो 1333 ईस्वी में ये भारत आया था। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य है? तो इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य देश है? तो अफगानिस्तान सार्क का सदस्य देश है। सार्क की बात करें तो सार्क की स्थापना कब हुई है, आप बताइए, सार्क की स्थापना कब हुई है? 1985 में, 1985 में सार्क की स्थापना हुई है। और वर्तमान में किसने सदस्य देश है, इसमें कितने सदस्य देश हैं वर्तमान में, इसमें कितने सदस्य देश हैं? 8 इसमें सदस्य देश हैं, मैं बता दूं। और सार्क का पूर्ण रूप क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। भारतीय संविधान के जनक कौन है? तो भारतीय संविधान के जनक आपको पता होगा, इजी सवाल है ये, भीमराव अम्बेडकर भारतीय संविधान के जनक हैं। मैं बता दूं भारतीय संविधान जो कब बनकर तैयार हो गया था, तो 26 नवंबर 1949 को संविधान तैयार हो गया था। संविधान क्या हो गया था? तैयार हो गया था। और 26 जनवरी 1950 को संविधान पूरे भारत में लागू हुआ था। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। जातक कथाएं किससे संबंधित है? तो जातक कथाएं कौन से धर्म से? बौद्ध धर्म से। जातक कथाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के मध्य है? तो कावेरी जल विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु, ये दोनों राज्यों के बीच ये कावेरी जल विवाद है। नेक्स्ट सवाल की एक और सवाल इसमें आप ऐड कर लीजिए, कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि काला पानी विवाद किन दो देशों के बीच में है? तो भारत और नेपाल के बीच में, भारत और नेपाल के बीच में काला पानी विवाद है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र की अध्यक्षता कब की थी? तो कौन से सत्र की अध्यक्षता की? तो बेलगाम में एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी ने, और कब किए थे? 1924 में महात्मा गांधी ने बेलगाम अधिवेशन में इसकी अध्यक्षता की थी, और ये बेलगाम कहाँ है? कर्नाटक में। तो कभी कभी ऑप्शन में बेलगाम ना देकर कर्नाटक दे दिया जाएगा, तो आपको ध्यान में रखना है कि बेलगाम अधिवेशन कर्नाटक में पड़ता है और महात्मा गांधी ने इसकी अध्यक्षता की। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। गीत गोविंद किसके द्वारा लिखा गया है? तो गीत गोविंद जयदेव की पुस्तक है, जयदेव द्वारा लिखा गया, इसमें कृष्ण की कथाओं के बारे में वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 28। भारत में सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली सबसे पहले शुरू की गई थी? तो भारत में सांप्रदायिक चुनाव सबसे पहले मार्ले मिंटो एक्ट रिफॉर्म्स 1909 के द्वारा शुरू हुआ था भारत में, और इसी को भारत परिषद अधिनियम भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? भारत परिषद अधिनियम इसी को कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, और आज का सेशन का लास्ट सवाल है क्योंकि इस सेट में 29 क्वेश्चन थे। तो कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया था? तो कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। फ्रेंड्स अगर सेशन अच्छा लगा हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए आज की क्लास को समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।